seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Hello everyone, kaise aap sabhi, ek baar fir se swagat hai aapka hamare naye vlog mein. तो गाइस आज मैं आया हूँ अम्बाला कैंट के गांधी ग्राउंड में, यहाँ पर मेला लगा हुआ है होली महोत्सव के नाम से, यहाँ पर मेला लगा हुआ है। तो गाइस अभी चलते हैं और मेले में घूमते हैं और देखते हैं मेले में कौन कौन से खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं और यहाँ पे कौन कौन से झूले लगे हुए हैं। सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अगर आप मेले में आते हो तो यहाँ पर आ सकते हैं घूमने के लिए। अभी मेला यहाँ पर ना ये 2-4 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। ये है मेले का मेन गेट, ये टिकट काउंटर है। अगर आपको मेले के अंदर आना है ना तो आपको टिकट लेना पड़ेगा, जिसका प्राइस 20 रुपीज़ है। मेले में छोटे बच्चों के लिए बोटिंग वाला झूला भी लगा हुआ है। इस वक्त यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे झूले का मजा ले रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मेले में ना रिंग का स्टोर भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई, काफ़ी सारा यहाँ पे आइटम है। अगर आप मेले में आते हो ना तो आप यहाँ पे आने के बाद रिंग फेंक के कोई भी रिंग फेंक के ना भाई कोई भी नाम जीत सकते हैं। 50 रुपये में यहाँ पे 6 बार चांस मिलेगा। अगर आप मेले के अंदर आते हो ना तो आप स्मोक बिस्किट और स्मोक वाला पान खाने के लिए मिल जाएगा। मेले में ना हॉन्टेड हाउस भी लगा हुआ है, अगर आपको हॉन्टेड हाउस का मजा लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। 50 रुपये का यहाँ का एंट्री टिकट है। और यहाँ पे ना भाई काफ़ी मिल रहे हैं चाय पीने के लिए, काफ़ी मस्त कप मिल जाएंगे आपको, काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे काफ़ी मिल रहे हैं। एक झूला और लगा हुआ है यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए ड्रैगन वाला। मेले का व्यू दे सकते हैं भाई, काफ़ी लोग मेले में एंजॉय कर रहे हैं इसको। मेले में आने के बाद आप यहाँ पर कैमल राइड का मज़ा भी ले सकते हैं। यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पर छोटे बच्चों के खिलौने मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे खिलौने मिल रहे हैं। और इस टाइम यहाँ पे कुछ लोग शॉपिंग कर रहे हैं मेले के अंदर। और यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, चाबी के छल्ले पे अपना नाम लिखवा सकते हैं और चावल के दाने पर भी अपना नाम लिखवा सकते हैं। यहाँ पे भैया ने स्टॉल लगा रखा है काफ़ी बड़ा। मेले में मिक्की माउस वाला झूला भी लगा हुआ है छोटे बच्चों के लिए। मेले में ना ड्रैगन ट्रेन वाला झूला भी लगा हुआ है। इस वक्त यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठ के झूले का मजा ले रहे हैं। बाकी का अभी चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर मेले में कौन कौन से खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं। वैसे ना यहाँ पर भाई काफ़ी सारे झूले लगे हुए हैं छोटे बच्चों के लिए मेले के अंदर। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर राइड कर सकते हैं, झूलों का मजा ले सकते हैं। और यहाँ पे लगा हुआ है निशानेबाजी का स्टॉल, अगर आपको निशानेबाजी का शौक है तो आप यहाँ पर आने के बाद निशानेबाजी कर सकते हैं। 50 रुपये में आपको यहाँ पे 10 शॉट खेलने के लिए मिल जाएंगे। और इस वक्त यहाँ पे भाई कुछ लोग निशानेबाजी का मजा ले रहे हैं। मेले में ना चौमिन का स्टॉल भी लगा हुआ है, अगर आप मेले में आते हो ना तो आप मेले में आने के बाद चौमिन का मजा ले सकते हैं और यहाँ पे आपको बर्गर भी खाने के लिए मिल जाएगा। अभी मैंने ना यहाँ पे एक चौमिन का ऑर्डर दे दिया है, अभी चलते हैं चौमिन खाते हैं और आपको बताते हैं चौमिन का टेस्ट कैसा है। चौमिन दे सकते हैं, चौमिन तो भाई देखने में काफ़ी मस्त लग रही है और अभी चलते हैं इसको खाते हैं। चौमिन तो देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है और खाने में भी भाई इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। दोबारा से कल को आपके समक्ष मेले में ना कैंडी का स्टॉल भी लगा हुआ है, अगर आप मेले में आते हो तब मेले में आने के बाद फूलों की होली के साथ कल मेले में आने के बाद आप यहाँ पे कैंडी भी खा सकते हैं, देख सकते हैं काफी बड़ा स्टॉल लगा रखा है यहाँ पे कैंडी का। मेले में आने के बाद आप भेलपूरी का मजा भी ले सकते हैं, यहाँ पे भेलपूरी का स्टॉल भी लगा हुआ है।
तो ठीक है गाइस, आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते रहेंगे ऐसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।